कल्चर अकादमी हाल में हम सब मिलके इमाम अली मुकाम के लिए खराज अकीदत खराज बहसी को पेश कर रहे हैं। सवेरे की महफिल मुसालिमा का बाकायदा आगाज हो, मैं गुजारिश करता हूँ मुअज्ज़ज़ और बुजुर्ग शोरा हज़रात से कि आप आज की इस नशस्त के लिए परदेश में हो जाओगे तुम हमसे जुदा, तुझ पे बहा गया है लहू मौला हुसैन का, हर एक जख्म हुआ है रफू ए खाक करबला, सजदा बना के क्यों ना करे तुझको एहतराम, तुझ में बसा है हुसैन की बू ए खाक करबला। उम्र गुजरी है इसी दश्त की सयाही में, पांचवी पुश्त है शब्बीर की बदाही में, पांचवी पुश्त है शब्बीर की बदाही में। इसी तरह आप मुल्तमिस हो जनाब फिदा अली फिदा साहब से आए ये तथहीर वजीद से ईशान रो, आए ये तथहीर वजीद से ईशान रो, से सिफत हम तक पुजी कुरान रो, थोक दो हम मद हो सना बयान रो, सूरह अहज़ाब गवाहन या हुसैन, सूरह अहज़ाब गवाहन या हुसैन। हर तरफ जिंदगी हुसैन की है, हर सदा हर सदी हुसैन की है, हर सदा हर सदी हुसैन की है, हुर के लश्कर को कर दिया सेरा, हुर के लश्कर को कर दिया सेरा, ऐसी दरिया दिली हुसैन की है, ऐसी दरिया दिली हुसैन की है, चांदो सूरज तो बस अलामत है, चांद सूरज तो बस अलामत है, असल में रोशनी हुसैन की है, असल में रोशनी हुसैन की है, हर तरफ जिंदगी हुसैन की है, हर सदा हर सदी हुसैन की है। देखें जमीन रोती है या आसमान रोता है, गमे हुसैन में सारा जहान रोता है, गमे हुसैन में सारा जहान रोता है। ये शेर बतौर खास देखें, जहां हुसैन की मजलिस पपा नहीं होती, जहां हुसैन की मजलिस पपा नहीं होती, मकीन रोए न रोए मकान रोता है, मकीन रोए न रोए मकान रोता है। मुसलमान के प्यारे हैं हुसैन, चरखे नौवे बशर के तारे हैं हुसैन, इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कोई पुकारे हमारे हुसैन। ये अल्फाज में चाह मंथी है मजान से बाशिल बजे हलवानी मंथी कला में निगाह मने बिस्मिल्लाह ताजो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम थोने इर्दा महरमी नक्को निशान सामूल छत जरबा, थोने इर्दा महरमी नक्को निशान सामूल छत जरबा, मिंगन सिंह पोशु से इस्लाम चिखे महरम पो से नीलगम, मगर सिंह पोशु से इस्लाम चिखे महरम पो से नीलगम, फकत चप्पा दंगन मुस्पो मनायंग ला चिफन खे, फकत चप्पा दंगन मुस्पो मनायंग ला चिफन खे, इन खुमैनी तो कदम लेन मी बेशिक सप्पो हुसैनी दुन, नसियहा द्वाद नुहा तंगन मर्स्या दुगे चन्पो, नसियहा द्वाद नुहा तंगन मर्स्या दुगे चन्पो, सुफे साजा कुलुम तुमसे मफुम फ्यक्पो हुसैनी दुन। जफुल मंजूर गलुप्स में ना हुसैनी को मिनानी, गलुप्स में ना हुसैनी को मिनानी, खैबस्ती ब्रांचोजुन गामा शिखरीन, खैबुएना नाम सस्त्रोपु बर्बेगुआना, खुला दो जब्स में उसकोन मो कफनीन, खुला दो जब्स में उसकोन मो कफनीन। या खुदा यानी अच्छा सी ना हुसैनी दंचू, या खुदा यानी अच्छा सी ना हुसैनी दंचू,
मुस्लिम बोटो में थुंडल सन म्यूजिक जन रास्ता में छुजुक यो माउन थुंडल यो में थेतो में नाता थुंडल में दुख मान नाता चिक में पमन हिंदू यार छुजुक का मीन समय ना आ दु चाहे नाता मुस्लिम में बुद्धिज्म सिंह सब ना आ दु जम सा सिंह जे मुजगुज जोतपास नातन काका आचो नोकुंजिस ते को न्याम सुनावा जागोज दो लाख लाख सलाम चनी बुजम मजलूम हुसैन जा लाख लाख सलाम चनी बुजम मजलूम हुसैन जा लाख लाख कलाम लिखे बुजम मजलूम हुसैन जा लाख लाख कलाम लिखे बुजम मजलूम हुसैन जा म्याने अछो जो आशे अगर छंग दी दे तो म्याने अछो जो आशे अगर छंग दी दे तो लेलो अशेर भी बुझे मजलूम हुसैन जा ए जमा शब्बीर का बागे जिना शब्बीर का ये जमीन शब्बीर की है आसमान शब्बीर का ये जमीन शब्बीर की है आसमान शब्बीर का और एक पहर में लुट गया है दीने हक के वास्ते एक पहर में लुट गया है दीने हक के वास्ते करबला की सरजमी पर कारवा शब्बीर का करबला की सरजमी पर कारवा शब्बीर का एक पहर में लुट गया है दीने हक के वास्ते करबला की सरजमी पर कारवा शब्बीर का जो शबी है मुस्तफा है हाँ वही लगते जिगर जो शबी है मुस्तफा है हाँ वही लगते जिगर जा रहा है रन में वो अकबर जवान शब्बीर का जा रहा है रन में वो अकबर जवान शब्बीर का ये जमा शब्बीर का बागे जिना शब्बीर का ये जमीन शब्बीर की है आसमान शब्बीर का हुसैन हक बिल हुसैन हक हक हुसैन बिल बातली बेअत ने थावक बिल हुसैन हक बिल हुसैन हक हक हुसैन बिल बातली पे अपने थावक बिल यजीद फर्श फास को फाजिर जको खुरो नयावक बिल कारी शीशा दा थे नेसे जो कुरान रजावक बिल अरस्तो आचटो वही पी बकान दिन छोड़ो नेरे अरस्तो आचटो वही पी बकान दिन छोड़ो नेरे वफा वादा दा तो कर बलायो दा सका सलाम सुंगी यरी काले अलीना फातिमी बुर्जस सलाम सुंगी यरी काले खुदा सर जी नबी सुर्जस सलाम सुंगी यरी काले अलीना फातिमी बुर्जस सलाम सुंगी यरी काले खुदा सर जी नबी सुर्जस सलाम सुंगी यरी काले नबी जब कुछ खुले स्वर्फा सलाम सुंगी यरी काले नबी का अर्शना ब्योरफा रोज़ को दान शफा हनिया हुसैन रोज़त को दारुल शफा हनिया हुसैन एक फुटक थे मर्द वफा हनिया हुसैन एक फुटक थे मर्द वफा हनिया हुसैन
وعده حق خاک دبود سپر تھے گا وعده حق خاک دبود سپر تھے گا تو خزی درد نبا ہن یا حسین تو خزی درد نبا ہن یا حسین دین حق زندہ چھوڑے اور کوئی نہیں دین حق زندہ چھوڑے اور کوئی نہیں اش دنیا جب تجھے فدا ہن یا حسین اش دنیا جب تجھے فدا ہن یا حسین حدیث سطحین زمین یعنی روایت چیز نمبر بیش بیت انشاءاللہ اے بردنا کرام ادرت نہ تو یار جان کو نہ قران این مولا ادرت نہ تو یار جان کو نہ قران این مولا سغلے نے حدیث بو یعنی فرمان این مولا سغلے نے حدیث بو یعنی فرمان این مولا محشر لے نو بر بے مدا کوثر جی کا محشر لے نو بر بے مدا کوثر جی کا چپوس گرے چک دم نہ کو نہ دان این مولا چپوس گرے چک دم نہ کو نہ دان این مولا نا کر بو بلا شبیر سلا زرنا نمک خار کنین صد کھو چالا میلن ملا حق دارنگین میار کنتم گلفی دے میارنگین شہزادہ شبیر زمیندارنگین شہزادہ شبیر زمیندارنگین نا کرب بلا نا کرب بلا زہرا چن بولا سوستم مئی سلامین مولا علی گمولا سوستم مئی سلامین مہر نبوتی کا جبتن یعنی چسن چی مہرے نبوتی کا جب دن یم جسن جی بیس پی یری سے نولا سنو سنو مئی سلام کیا جتنا بیس پی سے روز جس سے دگا ماما پھوز کیا جتنا بیس پی سے روز جس سے دگا ماما پھوز امت لبیس پی غولا سنو سنو مئی سلام ماشاءاللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے جتنی زحمتیں اٹھا کر دین اسلام کو لا کر امت کے سپرد کیا میں اس کے اجر میں کوئی بھی چیز نہیں لے لوں گا قل لا اسألکم میں کچھ بھی سوال نہیں کرتا ہوں علیہ اجرن الا مودت فی القربا صرف ایک چیز میں لے کر رہوں گا اس کا مطلب یہ نہیں کہ بالکل نہیں لے لوں گا لوں گا ضرور ادھر سے برابر اللہ لگا کر یہ کرتے ہیں کہ میں کچھ بھی نہیں لے لوں گا جتنا میں نے زحمت کیا میں نے نماز پہنچایا روزہ پہنچایا احکامات پہنچایا اخلاقیات پہنچایا معاشیات پہنچایا یعنی ہر چیز کو ایک نظم نظام طریقے سے ایک ایسے سسٹم کو لا کر میں نے رائش کر دیا اس کے بدلے میں مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے میں کچھ بھی نہیں لے لوں گا البتہ لے لوں گا تو ایک چیز لے لوں گا اور وہ چیز کیا ہے وہ ہے مودت اہل بیت اس کے باوجود جتنے شعرا نے یہاں پر شعر پیش کی میں داد دیتا ہوں اپنے طرف سے اعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ومن يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نري محفل صدارتك لكم جناب آغا رزوی صاحب و جناب اصغر بشارت صاحب و جناب احمد جوان صاحب و ننہری اکیڈمی
कल्चर डिपार्टमेंट इस बहुत मेहनत के साथ जहमत के साथ दिरंगा नेराम दी महफिल को फर्श आजा को सजाई बस खे तमाम फर्दन फर्दन डिपार्टमेंट ने तमाम स्टाफ का माँ बाके मुअज्जस शबरा दिन बज़्म अदबी महफिल हुसैनी मुआशरे शिरकत बखन तमाम गमला यंजाम तसलियत अरज बिन अज़म अल्लाह वजूरना वजूरकुम بمصائب أبا عبد الله الحسين إن لقتل الحسين حرارة في قلوب المؤمن نظر رکھتے ہوئے ایک دفعہ پھر کلچر اکیڈمی کارگل کی جانب سے ایک چھوٹا سا پروگرام آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی اور خوشی کا احساس بھی ہے کہ بہت اچھا پروگرام تائے تکمیل تک پہنچا आप सबको खबर है कि एकेडमी का वक्त वक्त हर तरह हर वक्त एक कोशिश रहती है कि सोसाइट की जितने भी हमारे लिटरेचर हो कल्चर हो अदब सकाफत जो भी तालुक रखते हैं उनको नरिश करने की उनको फरोग देने की एक हमारी इनिशिएटिव है। जैसे कि ये भी आप देख रहे हैं मैं कल्चर एकेडमी का के अंदर और यहाँ पे हुसैनी मुशायरा चल रहा है। हम अभी हम यहाँ पे एक पोइट है हमारे साथ सर मीन था सर ले सर दिली यार दी मुशायरा हुसैनी मुशायरा यानी नची हाँ पैगाम पब्लिक की पूरा पैगाम जी इमाम हुसैन दीन से दी मुशायरे स्कूला ये जरी पोएट्री ने एरी पोएट्री ने जरे जरे ची पैगाम चिता से लोदन चिना चाहूँ sampai gangara hechas kuma gangara ngara chipik tene tsore na jena kuda gata huseni tene ko ni habjao gazo shike tene ko ga chu si in na deang lu gazo sa do zire bin da sange de tsom me de na gata sa chik jil chu si chik chik chu si kunde na gata sa ka ka no chu si gata sa de de sa zu ji yang men do ya skan tsok la de na gata chang ma de mo na nyam po thune na nyam po chu si de ko ni habzani ka ga ko ne mo sen ni ko wa zai chu sa ko ra ne so se o do ni ga la len chu cha ta am public ma da sa ma kherang ma ra met pa ma ta chung ma jig jil chu se jig chu se de ne de ne ko ni habzani na nya ne ma ta chung ma chu cha si de ya jig jil ka ka sa de ma jig chu se ma chu sa se re poetry din si ya re shair si ke ta ma sa o de ne res ban jig jig line jig jig na cha ji sa ཁྱི ཕྱད མ दो चोसे रे मेत गतन सक जिगजि चोसे जिगजि चोसे अजनो चोक चोसे जुल जे जिगना जिगा मदद चोस मायन कांगा मदद चोस यरबा चाल ला मदद चोस इरकानी ने ओदि नाज़रीन अभी हम साथ में हमारे यहाँ के मशहूर ब्रॉडकास्टर हमारे राइटर हमारे पोएट मुख्तार सईद बड़गामी के साथ। सर आज यहाँ पे एग्रीकल्चर एकेडमी में एक हुसैनी मुशायरा हुआ। सर इस मुशायरे के जरिए से आप क्या पैगाम देना चाहते हैं सर और आप अपनी एक पोएट्री हमें सुना दे तो अच्छा रहेगा। सबसे पहले तो मैं आपका दिल के भी गहराइयों से शुक्र अदा करता हूँ कि आप यहाँ तशरीफ लाए और आज की जो नशिस्त हुई है कल्चरल अकाडमी की तरफ से इसका एन मकसद था कि इमाम हुसैन का जो पैगाम है उस पैगाम को जिस तरह 1400 सालों से चलते आ रहा है ये पैगाम कारगिल अकाडमी ने जो आज यहाँ मुख्तलिब शुरा के ज़रिए लोगों तक पहुँचाया और हमारा भी वही मकसद रहा है कि जितने भी शुरा कराम यहाँ शायरी करते हैं पिछले कई बरसों से कारगिल में भी मुख्तलिब शुरा अपनी मकामी ज़बानों में यहाँ की जो मेन ज़बानें हैं बलती शिना और पुर्की ज़बान तो इसके अलावा उर्दू ज़बान में भी यहाँ के शुरा शायरी करते हैं और इमाम अली मुकाम की बारगाह में जो है अपना पैगाम पेश करते हैं अपनी
गुजारिशात अपने तजुर्बात का एहसास अपने ख्यालात के इजहार करते हैं। तो खैर, आपने मुझे किसी कलाम की बात की तो दिन भर आज यहाँ शायरी होती रही है और अक्सर जो है दिन भर यहाँ निज़ामत के फ़राइज़ अंजाम देता रहा हूँ। तो बस फ़कत एक किताह जो है मैं कहना चाहूँगा कि ए कलम मिधत मौला का सफ़र जारी है, ए कलम मिधत मौला का सफ़र जारी है, गम शब्बीर से अश्कों का बहर जारी है। और गमजदा हम ही नहीं अरश बरी पर देखो, गमजदा हम ही नहीं अरश बरी पर देखो, मातमे याले अबा शाम सहर जारी है। एक कलम मिधाते मौला का सफ़र जारी है, गम शब्बीर से अश्कों का बहर जारी है। आपको मालूम होगा कि जिस तरह करबला के पैगाम को मुख्तलिफ शोरा ने अपने अपने ज़माने में लोगों तक पहुँचाने का भरपूर काम किया है, और जिस तरह हज़रत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा यजीद के दरबार में जब पहुंची तो उनके जो खुतबात थे उन खुतबात को मुख्तलिफ शोरा ने जो है नकल किया है, और वही खुतबात आज भी शायरी के ज़रिए मुख्तलिफ कलाम के ज़रिए हम और आप तक पहुंच रहे हैं। तो उर्दू ज़बान के बहुत बड़े शायर गुजरे हैं, और गुजरे क्या है, आज भी ज़िंदा है अपने कलाम के ज़रिए। जनाब हज़रत मीर अनीस साहब, उनकी पूरी ज़िंदगी और उनके जो हम असर शायर थे जनाब मिर्ज़ा दबीर साहब, कहते हैं कि मिर्ज़ा दबीर ने जितनी भी शायरी की है तकरीबन 2.5 लाख अशार लिखे हैं, वो सारे अशार जो है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके रफ़ाकाए कार के लिए वक्फ़ किए उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी। तो माशाल्लाह से हमारे यहाँ कारगिल में भी इस वक्त लद्दाख के अंदर मुख्तलिफ शोरा अपनी अपनी ज़बानों में इमाम आली मुकाम की बारगाह में जो है शायरी कर रहे हैं और अपने ख्यालात पेश कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।